जमा हुआ है। देखिए जहाँ से चैन चली हुई है वहीं के सेफ में बिल्कुल गंद हो रखा है देखिए, और इसीलिए जल्दी हमारा चैन सेट खत्म होता है। देखिए ये चैन देखिए कितनी लूज है। क्लीन करने के लिए आपको पता क्या करना चाहिए जब भी, तो देखिए आज हमारे पास ये थंडर बर्ड आई है सर्विस के लिए, और देखिए चैन सेट भी डालना है। इसमें दिखाता हूँ आपको दिक्कत, ये देखिए कितना गंद जमा हुआ है। देखिए जहाँ से चैन चली हुई है वहीं के सेफ में बिल्कुल गंद हो रखा है देखिए, और इसीलिए जल्दी हमारा चैन सेट खत्म होता है। देखिए ये चैन देखिए कितनी लूज है, ये देखिए, तो ये हम चलाए जाते हैं देखिए कितनी लूज है चैन, और ये मिट्टी इतनी है, इतनी मिट्टी है इसमें। देखिए ये देखिए देखिए ये बिल्कुल मिट्टी जमी पड़ी है इसमें, ऑयल भी इतना गंदा निकला है, मतलब देखिए कीचड़ की तरह बिल्कुल ये देखिए इतना गंदा है, देखिए है इतना गंदा ऑयल है ठीक है। और ये इस मिट्टी की वजह से इतनी जल्दी चैन सेट इसलिए हमारा ख़त्म आता है। तो इस एरिया को हमें क्लीन करने के लिए आपको पता क्या करना चाहिए, जब भी आप गाड़ी वॉश करवाते हैं तो यहाँ प्रेशर जब डाल के ना वॉश करवा दीजिए। जब प्रेशर डालेंगे तो कुछ फटेगा नहीं, कुछ ख़राब नहीं होगा आपका। इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये गंद जो होगा ना यहाँ से ये सारा एरिया क्लीन हो जाएगा, और ये वाला एरिया भी क्लीन हो जाएगा। तो ये जब भी आप सर्विस कराते हैं, और नहीं तो आप जहाँ जैसे वॉशिंग करवाएं तो इसको साफ़ करवाते हैं, और नहीं तो जहाँ सर्विस कराते हैं आप कभी भी, तो इसको जैसे एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस में इसको खोल के साफ़ करवा दें, और पैकिंग ही एक नया डलेगा आपका, और तो कुछ डलेगा नहीं। देखिए चैन सेट कितना जल्दी ख़त्म हो गया, देखिए इतना बुरा ख़त्म हो गया, ये देखिए कितनी प्ले है इसमें। थंडरबर्ड एक्स है देखिए, एबीएस वाले वर्जन है नया वाला, देखिए एबीएस वाला है ये देखिए, और इसीलिए हमें इसका अभी चैन सेट डालना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी इसका चैन सेट भी ख़त्म हो गया काफ़ी। देखिए इतना गंद जमा पड़ा है कि मतलब आप सोच भी सकते हैं कि कितना बुरा गंद जमा हुआ है इसमें, ये देखिए देखिए। और इस पहले चलिए इसको, फिर इसीलिए चलते हैं पहले पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, फिर एक बार आपको साफ़ करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो एक बार चले क्लीन करके फिर देखते हैं। तो गाइस देखिए मैंने इसको पेट्रोल से बिल्कुल देखिए क्लीन कर दिया है काफ़ी अच्छे, देखिए काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए इधर से भी एरिया क्लीन कर दिया मैंने, ये जो एरिया है सारा वॉशिंग में साफ़ हो जाएगा। अब मैंने इसको चैन सेट डालने के लिए खोला देखिए, और ये वाला देखिए पार्ट, ये देखिए काफ़ी देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह हो गया, बिल्कुल कहीं भी गंदा नहीं है। देखिए पेट्रोल से क्लीन कर दिया मैंने बिल्कुल। थोड़ी सी केयरफुल करके चलाइएगा तो थंडरबर्ड की चैन सेट बहुत ज़्यादा चलाती है, क्योंकि डबल टिस गाड़ी जितनी भी गाड़ी है डबल टिस होती है उनकी चैन सेट बहुत ज़्यादा चलता है। और क्योंकि अब देखिए चैन सेट रही रखा हुआ हमारा, अब इसमें हमें चैन सेट डालना है देखिए, ये देखिए भाई पीछे का इस पॉकेट नहीं खोला हूँ। देखिए ये होगी अपनी फ्रंट इस पॉकेट, चैन होगी फरारी होगी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा केयरफुल करके चलाएंगे, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये चैन सेट बहुत ज़्यादा चलेगा। और बस खास करके ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ क्लीन कर लिया करें, जैसे मतलब प्रेशर वॉश करवाते हैं तो यहाँ से प्रेशर डाल के मारेंगे ना तो ये क्लीन हो जाएगा, एरिया सारा क्लीन रहेगा, ना अंदर पानी जाएगा ना आपका सेफली क्लीन रहेगा हमेशा। जब कभी भी आप खोलेंगे तो क्लीन निकलेगा, और नहीं आप करवा पाते हैं वॉशिंग में नहीं हो पाता ढंग से, तो इसको एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस में आपको हमेशा क्लीन करवा देना चाहिए। तो देखिए थंडरबर्ड है एक्स देखिए, और काफ़ी गंदी थी मैंने आपको दिखाया अभी, तो बस आपको इस वीडियो में यही दिखाना है ठीक है दोस्तों। मैं आज एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाता हूँ कि कैसे लापरवाही होती है, कितना गंद मतलब कैसे गंदा जमा कर रखते हैं, और फिर कहते हैं कि चैन सेट खत्म हो गया, हमने इसको क्लीन नहीं करते हैं, और देखिए कितनी बुरी तरीके से जल्दी चैन सेट भी खत्म हो गया, और कितना गंदा था कि मतलब देख के आप सोच सकते हैं कि कितना गंदा था।